हे गाइस, आई एम निकोन एंड यू आर वाचिंग ऑन 2.2। तो आज हम लोग बात करने वाले नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, मैंने पिछली वीडियो में पूरा हायरार्की बता दिया था कि हम लोग कैसे कैसे अभी आगे बढ़ेंगे अगले कुछ वीडियो तक। तो इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी जानेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नेटवर्क जाना था, और आगे हम लोग जानेंगे OSI मॉडल के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी होता है हमारा टाइप्स ऑफ कनेक्शन या फिर मेथड ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इन सभी को आपस में कनेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, इन सभी को आपस में कनेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। उन्हीं मेथड्स जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, वो ही टोपोलॉजीज उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना चाहूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर ये हमारे पूरे नेटवर्किंग के जर्नी में ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिस्को नेटवर्क अकेडमी का एक सिस्को नेटवर्क अकेडमी का जो ये जो है लिंक पे क्लिक कर लेना है आप लोगों को। और लिंक खोलने के बाद यहाँ लॉग इन पे जाना है, लॉग इन करना है। मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा, ये बहुत इजी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को साइन अप कर लेना है। साइन अप, और साइन अप करना तो सबको पता ही होगा, तो साइन अप कर लेना है आप लोगों को। मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। आप लोग साइन अप कर लेना और फिर आप लोग लॉग इन कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन हो रहा है और फिर ये मेरा खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को जाना है रिसोर्सेज पे, डाउनलोड पैकेट ट्रेसर पे क्लिक करना है, और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे आप लोगों को मिल जाएगा डाउनलोड का। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 GB रैम ये अल्टीमेट बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, फिर डाउनलोड करना अपने हिसाब से, जो भी वर्जन आपको डाउनलोड करना हो। और फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना। इंस्टॉल करना जस्ट एक बेसिक सा गेम इंस्टॉल करना क्या जैसा होता है। ठीक है, इंस्टॉल करना सबको आता ही होगा। सिस्को पैकेट ट्रेसर हम लोग को ओपन कर लेना है। ये ओपन होगा। ओपन होने का इस इसके बाद आप लोग को एक और फाइल डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर का भी लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेटवर्क टोपोलॉजी है, जो टोपोलॉजीज ऑफ पीकेटी है, इसका फाइल में टोपोलॉजीज फाइल करके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। इसको आप लोगों को यहाँ पे आना है, फाइल पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जहाँ भी आप लोगों का फाइल होगा सेव्ड, वहाँ पे जाना है और उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग एक्चुअली सिस्को पैकेट में से हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाला है, तो डाउनलोड कर ही लो। ठीक है, बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। कोई भी जैसे नेटवर्क डिवाइस में क्या होता है ना, कि दो डिवाइस अगर जो डेटा भेजते हैं, तो वो थ्रू द जो वायर्स होते हैं वो बहुत स्पीड अप स्पीड में जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं कि वो कैसे जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहला नेटवर्क टोपोलॉजी होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी। ये ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, ये बहुत इजी है। बस टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन हम लोग को जानना है। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, एक यहाँ एक डिवाइस है, एक यहाँ डिवाइस, दोनों को एक कनेक्ट कर दिया। दो डिवाइस कनेक्शन होता है, उन लोगों को पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कनेक्शन बोलते हैं। सेकेंड होता है हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में हमारा होता है ये जो होता है हमारे, इसमें लैपटॉप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप होते हैं बहुत सारे, और ये एक जो होता है सिंगल वायर में सारे के सारे लैपटॉप कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट मैंने जिसको हाईलाइट किया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बस। ठीक है, इसी को बोला जाता है बस। ठीक है, तो ये हमारा बस हो गया। और ये जो डिवाइसेस है इसको, इनको नोड्स बोला जाता है, नोड्स। ठीक है, अच्छा मान अब देखो, जस्ट इमेजिन, ये एक्चुअली सिंपल और इजी होता है इंस्टॉल करना, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना, लेकिन स्मॉल नेटवर्क में ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है स्मॉल नेटवर्क में। ठीक है, और डेटा कोलिजन इसमें हो सकता है। डेटा कोलिजन कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ से अगर मैं कोई डेटा भेज रहा हूँ और इसको मुझे यहाँ पे भेजना है, यहाँ से मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भेजना है एक डेटा, एट द सेम टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भी डेटा भेजा जा रहा है। अब एक ऐसा जगह आएगा जो ना दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, और मतलब यहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है,
तो यहाँ से डेटा इधर आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे कोलिजन हो सकता है डेटा का, ठीक है, और जिससे डेटा करप्ट हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है डेटा के साथ, मतलब डेटा जाए जाए ही नहीं, स्टॉप हो जाए बीच में, डेटा करप्ट हो जाएगा। तो इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम लोग CSMA टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को, जब हम लोग जान रहे होंगे OSI मॉडल, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी तक के लिए इतना समझ लो कि ये CSMA टेक्नोलॉजी, CSMA का दो सारे दो होता है, एक CD के साथ यूज किया जाता है कोलिजन डिटेक्शन, और एक होता है CA कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोग जानेंगे बाद में, ठीक है। अभी आप लोग समझ लो कि कोलिजन होता है, मैं बेसिकली आप लोगों को टाइप्स ऑफ कनेक्शंस बताने आया हूँ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आ जाता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी आप लोग देख सकते हो, इसमें स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सेंटर सेंटर में एक डिवाइस होता है, सारे अदर और सारे कंप्यूटर सारे कंप्यूटर सारे लैपटॉप सारे अदर डिवाइसेस उसी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस सेंट्रल डिवाइस में इससे ये जो सेंट्रल डिवाइस है वो Layer 1 का हो सकता है, Layer 2 का हो सकता है, Layer 3 का भी हो सकता है, ठीक है। Layer 1 Layer 2 Layer 3 हम लोग जानते हैं, OSI मॉडल जब शुरू होगा तो हम लोग धीरे धीरे जानते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्टार टोपोलॉजी, ये भी इजी टेंशन होता है, थोड़ा कॉस्ट इसका ज़्यादा आता है, ठीक है, बस टोपोलॉजी से। और कम्युनिकेशन जो होता है सेंट्रल डिवाइस के थ्रू ही होता है, सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम से मिल जाता है, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेज में क्या है, सेंट्रल डिवाइस अगर खराब हो गया तो पूरा कनेक्शन बर्बाद हो जाता है ना। तो ये हमारा हो गया स्टार टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी पे। रिंग टोपोलॉजी भी बस यही है कि एक दो डिवाइसेस लो, डिवाइसेस को लो, और फिर एक ये डिवाइस हो गया, एक ये डिवाइस हो गया, एक ये डिवाइस हो गया, और एक ये डिवाइस हो गया, इन सभी को ऐसे करके कनेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही मैंने ये कनेक्ट किया बस ये हमारा रिंग में आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मैं इससे देखो, मैं अभी डेटा आप लोगों को सेंडिंग बता रहा हूँ, बस इसका अपात आप लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग राउटर से सब स्विचेस से पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। अभी आप लोग उतना समझ लो कि यहाँ से मैंने डेटा भेजा तो ये इसके थ्रू होके जाएगा, ठीक है, अगर इसको भेजना है तो। लेकिन अगर एडजेसेंट वाले साइड से भेजना है, मतलब इस पॉइंट से मुझे डेटा भेजना है इस पॉइंट पे, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर जाएगा, उसको किसी और लैपटॉप के थ्रू होकर जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड पे भेज रहा हूँ तो वो किसी ना किसी एक पाथ को तो चुनेगा, या तो ये चुने या तो ये चुने, दोनों ही पाथ में हमारा डेटा जो है किसी दूसरे लैपटॉप से होके जाएगा। अब ये सेंट्रल डिवाइस से निर्भर करता है कि वो उस लैपटॉप के पास जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये हम लोग समझेंगे बाद में। अभी बस आप लोग समझते चले जाओ रिंग टोपोलॉजी को, ठीक है, कि कनेक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। एक रिंग टोपोलॉजी हो गया, उसके बाद क्या होता है हमारा एक मेश टोपोलॉजी होता है। रिंग टोपोलॉजी होता है इंस्टॉलेशन उसका इजी होता है, उसका प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, इंस्टॉलेशन इजी होता है, मैनेज करना आसान होता है ना, वही सारी चीजें हैं। अच्छा एक और बात है कि डेटा जो होता है दो बोथ डायरेक्शन में होता है, जिसके वजह से कोलिजन थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर डेटा ये भी डेटा भेज रहा है वो भी डेटा, तो दोनों डेटा भेज रहा है एक साथ, ठीक है, ये भी डेटा भेजना चाहता है इसको और ये डेटा भेजना चाहता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये पास अप्लाई ले लेगा और दूसरा वाला जो है ये पास ले लेगा, तो यहाँ पाथ ही बदल गया तो कोलिजन कम हो जाएगा, चांसेस कम हो जाते हैं। बस टोपोलॉजी में पाथ सेम रहता है तो कोलिजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी हो गया हमारा, ये हमारा होता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, मान लो कि चार डिवाइसेज हैं, सारी डिवाइसेज सबके साथ कनेक्टेड है, ये इससे ये इससे ये ही इससे भी कनेक्टेड है, फिर ये भी सारे से कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, फिर ये भी सबसे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड, तो ये जो है मतलब हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होता है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसमें कि नंबर ऑफ वायर्स कितना यूज होगा, अगर मैं हर एक दो कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए एक इंडिविजुअल वायर का यूज करता हूँ तो नंबर ऑफ वायर्स कितने होंगे, ये बेसिकली मैथ का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा n(n-1)/2, तो ये हमारा होता है मेश टोपोलॉजी, ठीक है। मेश टोपोलॉजी का क्वेश्चन क्या होता है, ये रिलायबल होता है क्योंकि मल्टीपल पाथ होता है, ठीक है। और एक होता है फॉल्ट टॉलरेंस, इसका बहुत अच्छा होता है। फॉल्ट टॉलरेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मेरा ये वाला फेल हो गया, ये वाला वायर फेल हो गया, तो इसके पास बहुत सारा पाथ है फिर भी इसके पास पहुंचने के लिए। मान लो ये वायर भी फेल हो गया, मैं यहाँ से कोई डेटा भेज रहा हूँ तो ये किस पाथ से जाएगा, अगर मान लो ये वायर फेल हो गया तब भी इसके पास बहुत सारा रास्ता है, ये वायर फेल हो गया तब भी इसके पास बहुत सारा रास्ता है, ये वायर फेल हो गया तब भी इसके पास रास्ता है। तो इसमें क्या होता है रास्ते बहुत सारे होते हैं, तो इसी को बोलते हैं इसको फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं। अगर कोई एक फॉल्ट आता भी है तो उसको वो मैनेज कर लेता है,
ठीक है, यही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेंसिव होता है, इंस्टॉल करना और मेंटेन करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है मेश टोपोलॉजी, ठीक है। मेश टोपोलॉजी के बाद हमारा आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक्चुअली हमारा एक तरह का हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है ना कि दो तीन टोपोलॉजी को मर्ज करके एक नया मैंने कनेक्शन बना दिया, ठीक है। तो ये भी एक तरह से हाइब्रिड ही होता है सर, जैसे कि ये जो पार्ट है ये बस की तरह बिहेव करेगा और ये वाला जो पार्ट है ये रिंग ये स्टार की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हमारा होता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी के टॉप पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट होता है ट्री टोपोलॉजी का, इसको बोलते हैं हम लोग कोर लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग कोर लेयर, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ठीक है। और लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सेस लेयर, ठीक है। यहाँ से डेटा, यहाँ पर डेटा आता है, ये कोर है। अगर कोर खराब हो गया तो पूरा डेटा का ट्रांसमिशन ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बस टोपोलॉजी होता है। अगर एक मतलब उसमें एडवांटेजेस भी होते हैं डिस्टर्बेंस दोनों के, अगर मान लो जैसे बस टोपोलॉजी के भी एडवांटेज भी हैं और स्टार टोपोलॉजी के भी एडवांटेज हैं, तो दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, मान लो दो तीन टोपोलॉजी को मैंने मिक्स कर दिया, जैसे ये कंप्यूटर यहाँ पे है, ये कंप्यूटर यहाँ पे है, फिर ये कंप्यूटर यहाँ पे है, कंप्यूटर ये सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक। अब फिर यहाँ पे मैंने एक हब लगा दिया या फिर स्विच लगा दिया या फिर राउटर लगा दिया, योर राउटर आप लोग होगा फॉर, ठीक है। यहाँ से एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है। यहाँ देखो ये बस का भी काम कर रहा है, ये वाला पार्ट स्टार टोपोलॉजी में चला गया है ना। अब मान लो मैं इस कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर्स एक रिंग में कनेक्ट कर दूँ, तो रिंग टोपोलॉजी भी आ गया। तो यहाँ पे होगा हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है ना भाई, सारे टोपोलॉजीज के मेरिट्स भी होते हैं डीमेरिट्स भी होते हैं। तो ये हमारा होता है रिंग हाइब्रिड टोपोलॉजी, और यहाँ हमारा टोपोलॉजी हो जाता है खत्म। इतना ही टॉपिक था, ठीक है। ये बस टाइप्स ऑफ कनेक्शन होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। ये इसका यूज अभी आप लोगों को समझ में आएगा, यूज आगे जब आगे जाने जाएंगे तो इसका यूज थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये क्यों जानना जरूरी था, ठीक है। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।